आजादी के पहले से या काफी समय से हम कहें तो स्वच्छता की जो स्वच्छता का जो के लिए जो जागरूकता है वो चली आ रही है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी उस समय अपने समय में स्वच्छता के लिए काफी बातें कर चुके हैं, लेकिन अभी बहुत लोग कह रहे हैं कि स्वच्छता की बात हम 70 वर्ष बाद कर रहे हैं। भाई साहब एक बात का मुझे उन लोगों से उत्तर चाहिए। आज आप बिस्कुट मतलब जो बिस्किट का पैकेट होता है खा के यहाँ फेंकते हैं, उसको क्या 1947 में फेंक देते घर से बाहर? जब आप स्वच्छता फैलाएंगे वो करेंगे, स्वच्छता समाज में वो करेंगे, अपना कूड़ा कचरा साफ करेंगे, तभी तो आपका समाज आगे बढ़ेगा। अब 1947 का कचरा 2017 में तो साफ नहीं किया जा सकता, 2017 का कचरा 1947 में तो साफ नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा विषय है, ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर समय आदमी को, समाज में जी रहे मनुष्य को, युवाओं को, परिवार को, उसके गार्जियनों को, बच्चों को एक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ के उससे काम को करना चाहिए। अभी का समय क्या है भारत में देशभक्ति 2014 के बाद से अगर देखें, मैं किसी पार्टी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं इसको जोड़ लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। अभी के बाद 2014 के बाद से भारत में एक सो कॉल्ड जो देशभक्ति का माहौल है वो बन के निकला है। लोग कहते हैं कि देशभक्ति नहीं देश में, देशभक्ति नहीं देश में। मेरा सीधा सा प्रश्न है उन लोगों से, देशभक्ति जब रामनवमी का जुलूस निकलता है, जब मोहर्रम का जुलूस निकलता है, सड़कों पर भगवा झंडा लेके निकलना, सड़कों पर चांद तारे से ले झंडे लेके निकलना, तलवार लेके निकलना, वो युवाओं का सही मार्ग नहीं है। वो अगर आप भगवा झंडा लेके निकलते हैं वो सही है, आपका वो आप अपना कर्तव्य समझते हैं, लेकिन जब आप भगवा झंडा लेके निकलते हैं उसके बाद 2 दिन आप सत्ता में स्वच्छता कार्यक्रम भी चलाइए, तभी आपको समझा जाएगा कि आप देश में देश से प्यार करते हैं, एक देशभक्त नागरिक है। दूसरी चीज हमें ये समझना पड़ेगा कि आज के समय में युवा कहाँ जा रहे हैं, युवा अपनी भागीदारी क्यों नहीं तय कर पा रहे समाज के लिए। अभी जब नरेंद्र मोदी जी गए थे चंपारण स्वच्छाग्रह चालू करने के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने एक डाटा पेश किया था कि पिछले सप्ताह मतलब लगातार जो सप्ताह चला आ रहा है उसमें एक सप्ताह में करीब बिहार के अंदर 7 से 8 लाख शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। अब अगर इस दोनों तथ्य को जोड़ के देखें, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, क्यों इस दोनों तथ्य को शब्द को एक साथ प्रयुक्त किया जाता है? क्योंकि जब हमारा भारत स्वच्छ होगा तभी कहीं ना कहीं हमारा भारत स्वस्थ होगा, और विकास करने के लिए हरेक विकास के हरेक पैमाने पर खड़े उतरने के लिए कहीं ना कहीं देश और समाज को स्वस्थ होना पड़ेगा। अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे तो आप ऑफिस में जाके काम कैसे करेंगे? जब ऑफिस में काम नहीं करेंगे तो देश डेवलप कैसे करेगा? कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका बिना स्वच्छता के डेवलप कर गया, यह बात बिल्कुल ही तथ्यहीन है कि कोई देश और समाज स्वच्छता के बिना विकास कर जाए। अभी अगर आप देखेंगे वर्ल्ड का जो हेल्थ इंडेक्स है उसमें लगातार भारत प्रगति कर रहा है। इसका कारण ये है क्योंकि जो 2014 पहले भी स्वच्छता अभियान चला, कई सरकारें आई गई, कुछ दिनों पहले निर्मल भारत का अभियान चला था, लेकिन जो सबसे प्रभावी अभियान रहा 2014 का जो 2 अक्टूबर को लॉन्च हुआ, उसके बाद जनमानस में एक संदेश गया, जनमानस में एक जागृति फैली कि कहीं ना कहीं हमें अपने देश को स्वच्छ बनाना है, समाज को स्वच्छ बनाना है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं एक वक्तव्य में पढ़ रहा था कहीं पे, उसमें ये लिखा हुआ था कि बहुत में ढोल नगाड़े का जमाना, अब है डीजे का जमाना, और नव दुल्हन आने से पहले हमें करवाना है शौचालय का निर्माण। तो कहीं ना कहीं अगर समाज में स्त्री को, क्योंकि बहुत जगह ये कहा जाता है, बहुत जगह शास्त्रों में हमारे लिखा हुआ है कि यत्र नारी से पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, क्योंकि जहाँ पे नारी स्वच्छ रहेगी, अगर परिवार की नारी स्वच्छ रहेगी, सशक्त रहेगी, तभी कहीं ना कहीं उस परिवार का विकास होगा। आज के समय में पहले क्या था कि स्कूलों में बेसिक सुविधाएं मुहैया नहीं थी, बच्चों के लिए सैनिटेशन और शौचालय का जो इंतजाम था वो नहीं था, ये सब चीजें स्कूल में दे दी जा रही है और भारत प्रगति कर रहा है।